अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर अल्लाह के नबी नूर हैं या बशर हैं बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी को नूर से बनाया है इसका क्या मतलब है मोहम्मद हारून इंडिया से ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें आता हो कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी को बनाया मन मौजू मन घड़त रिवायतें इस बारे में क़ुरान से सही अदीत से और उम्मत के इजमा सहाबा तबीन के इजमा से पता चलता है कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को मिट्टी से बनाया फिर आदम की औलाद में अल्लाह ने जो है नस्ल पैदा की और उन्हीं में हजरत इब्राहिम इब्राहीम पैदा हुए फिर उन्हीं की नस्ल में हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इस्माईलम ये सब बशर थे इंसान थे और आदम आदमी को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया तो आदम को ख़ला मिन मंतराब कुरान साफ़ कह रहा है मैंने आदम को मिट्टी से बनाया फिर आगे उनकी नस्ल में बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि अल्लाह ने आदम की नस्ल में इब्राहिम को मंतख किया फिर इब्राहिम इब्राहीम की औलाद में इस्माल फिर इस्माइल की औलाद में अल्लाह ताला ने बन हाशिम को और कुरैश को फिर बनो हाशिम को फिर अब हजरत अब्दुल्लह की औलाद में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया तो आप जैसे बशर होते हैं इसी तरह आप इंसान हैं बशर हैं और फिर आपकी औलाद भी इसी तरह चली है जैसे सारे अम्बिया की औलादें और सारे इंसानों की औलादें चलती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा थी उनकी औलाद में हजरत हसन हुसैन हुए फिर उनकी औलाद आके सैयद बहुत सारे हैं तो आप किसी भी सैयद का लेबॉट्री टेस्ट करवाएं वो बशर ही नज़र आएगा इंसान नज़र आएगा आपको हर लिहाज से गोश पोश का बना हुआ इंसान खाता है पीता है चलता है फिरता है तो इसी तरह जो इन जो आज जो सैद नज़र आ रहे हैं जैसे ये इंसान है तो ऐसे ही इनके नाना मोहम्मद सल्हुह वसम भी इंसान थे अगर आप नूर होते तो नूर से तो फिर नूर पैदा होता है ना इंसान बशर तो नहीं पैदा होता तो आप आदम आसमाम की औलाद में हैं और फिर आपकी औलादें भी आज तक मौजूद हैं और इसी तरह ये सिलसिला क़्यामत तक चलेगा तो आप वसल्लम हकीकत और माहियत के लिहाज से बशर है कुरान में इस मजमून को जगह जगह बयान किया बशर मिसलो कुम ए नबी इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ फ़र्क क्या है यू हैलैया मेरी तरफ वही होती है तुम पर वही नहीं होती तो आप हकीकत और माहियत के लिहाज से इंसान है बशर है हाँ हिदायत का नूर है आप इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अफजल मोहम्मद सल्हुह वम जो आखिरी नबी हैं और अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब हैं आप अलैहि वसल्लम। तो हिदायत का नूर है जैसे कुरान भी एक नूर है जैसे अंधेरों में आपको चिराग मिल जाए ना एक रोशनी मिल जाए नूर मिल जाए तो आपको रास्ता नज़र आ जाता है तो इसी तरह आप नेमत को इंसानों को गुमराही के अंधेरों में रोशनी दिखाई है तो इस लिहाज से आप नूर हैं हिदायत का नूर और इस लिहाज से भी नूर हैं वो भी लोगों को हिदायत देते हैं कुरान भी नूर है साहबा भी नूर है ताबीन भी नूर हैं हाँ नबी अलैहि वसल्लम इस लिहाज से नूर ज़्यादा हैं क्योंकि आपकी हिदायत कामिल है और उस दर्जे की रोशनी नहीं देते जिस दर्जे की नबी अलैहि वसल्लम ने दी है तो सब ही नूर है जो भी दीन की दावत का, का काम कर रहा है गलत से हटा के लोगों को सही की तरफ़ लेकर आ रहा है वो भी नूर है कुरान भी नूर है अच्छी किताबें जो जो बातल फ़िरकों के ख़िलाफ़ लिखी जाती हैं या इस्लाम को डिफ़ाइन करती हैं वो भी नूर हैं तो इस लिहाज से आप वसल्लम आला दर्जे का नूर हैं लेकिन हकीकत और माहियत के लिहाज से आप इंसान हैं कुरान कह रहे लऊ कान फिलगी मला इका तुई एम शून मतम नीन ल ना आल मिल्सम इमला कर रसूल सूरबन इसराइल में कि अगर ज़मीन में फरिश्ते रहते फरिश्ते नूर के बने हुए होते हैं ना कुरान कह रहे अगर ज़मीन में फरिश्ते होते तो हम इनके लिए पैगम्बर भी किसी फरिश्ते को बनाते तो ज़मीन में इंसान रहते हैं तो इनकी हिदायत के लिए इंसान ही आएगा जो इनको इनकी हिदायत का ज़रिया बनेगा तो मजमून कुरान ने दो टोक लफ्ज़ों में साफ लफ्ज़ों में बयान किया है तो ये हमारे बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है सवाल है कि सूर अलमादा की आयत नंबर पंद्रह और सूर अलज़ाब की आयत नंबर छियालीस के तहत भी और ये भी आपने हदीस बयान की है इसी की रोशनी में नबीम को नूर कह सकते हैं हाँ है? सूरत की आयत नंबर फिफ्टीन जो है ना ये बड़ी मशहूर है नूर वताबुल मुबीन बेशक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब अब ये जो आयत है ना इसकी तफसीर जो पहली अलसन्नत की तफसीर तफसर तबरी इब्ने जरीर की अलमतवा थ्री टेन हिजरी इबन कसर ने तो सारा छापा मारा है उनसे असल में इब्ने जरीर की है इबन कसीर तो बहुत बाद में है ना सेवन सेवनटी फोर हिजरी में ये थ्री टेन हिजरी में है इमाम बुहारी इमाम मुस्लिम के हमसर हैं इन्होंने तस्ीर इबन जरीर जिसे तफसीर तबरी भी कहते हैं उसमें इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि इस नूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलील इवन श्री थानवी साहब भी मानते हैं लेकिन वो एक लाल दाढ़ी वाला बैठा हुआ है काबे के अंदर एक लाल रुमाल वाला है एक लाल दाढ़ी वाला भी है ठीक है ना उसके मैंने कई बार लेक्चर देखे तो वो पूरे लेक्चर उसके ना बरेलवियों के शिया के और अलदीस के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो जो बंदी है वो बस अरबियों ने उससे पनाह दी हुई है वहाँ पर वो अपनी मर्जी का दीन लोगों को बता रहा होता है उसको मशहूर करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तो वो ये आयत पढ़ के कह रहा था देखें जी इस आयत की तारीफ़ करते हैं बिरलवी इसमें तो कुरान को नूर कहा गया ये बिरलवियों ने तारीफ़ की हुई है ये उन बुज़ुर्गों ने की है जो जिनके कदमों की खाक भी नहीं है आप ठीक है ना वह सुन्नत के इमाम हैं तो आप थोड़ा इलम भी हासिल करें ना अपने फ़िरके से बाहर निकलें ना और जब आप इस कुएँ से बाहर निकलेंगे बात बहुत बड़ी दुनिया है आप पहले इल्म सीखें फिर इस तरह की बातें किया करें और सूरत की जो आयत है वह तो बड़ी मशहूर है शाहिदीन आप ऐसे नूर हैं ऐसे सूरज हैं जो लोगों को भी चमका देते हैं नूरे हिदायत है इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी भी नूरे हिदायत है मुस्लिम भी नूरे हिदायत है साहबा के इकबाल भी नूरे हिदायत है कुरान तो नूरे हिदायत है नबी इस्लाम भी नूरे हिदायत है जी नाज्रीन आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी कलेब सुना है और आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अली का भी जैरमी साहब का भी कलेब सुना है यकीनन वैसे ही है जैसे वो फरमा रहे थे मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के नबी पा कर सलात वाम के कलाम इलाही के अंदर भी मब ने फरमाया हैद जयल नूरू व किताबू मुबीन अल्लाह तबारक वत फ़रमाया कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से नूर आया और रोशन किताब आई किताब से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है और नूर इलाही से मुराद बाज़ मुफ ने फरमाया है कि नबी पाकसलाम की ज़ात मुक़दसा है तो हमारा नबी अल्लाह तबारक व नूर है तो उम्मीद है कि ये वाला मसाला और ये वाली वीडियो आपको बड़ी अच्छी और पसंद आई होगी अगर पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफ़